और सीधे आपको लिए चल रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। बिंदु बनेगा ये सुनिश्चित है। हम टेररिज्म के सभी रूपों के खिलाफ एक प्रभावी दीर्घकालिक और ठोस लड़ाई के बिना भयमुक्त समाज भयमुक्त दुनिया का अस्तित्व सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे राष्ट्र के नागरिकों ने नेतृत्व पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनकी सुरक्षा की, और हमारा ये कर्तव्य है कि इस जिम्मेदारी की कसौटी पर हम खरे उतरे। पिछले दो दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस खतरे से निपटने के लिए एक ढांचा विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य काउंटर टेररिज्म सैंक्शन व्यवस्था खड़ी करना है। टेररिज्म को स्टेट फंडेड एंटरप्राइज बनाने वाले देशों की कार्यवाहियों पर कुछ हद तो इससे अंकुश लगाने का काम हुआ है, परंतु इसको और कठोर पारदर्शी और सटीक बनाना बाकी है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अन्य मकसदों की आड़ में कुछ संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये संगठन आतंकवाद को फाइनेंस करने की चैनल भी बनते जा रहे हैं। अभी हाल में ही भारत सरकार ने सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को रेडिकलाइज करके उन्हें आतंकी और धकेलने की साजिश करने वाली एक संस्था को बैन किया है। मेरा मानना है कि प्रत्येक देश को ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ देशों ने देश की सरकारों ने और एजेंसियों ने टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाया है। ऐसे टेरर हेवन्स पर आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ सभी प्रकार की नकेल कसना निहायत आवश्यक है। इस पर दुनिया के सभी देशों ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर एक मन बनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि कुछ देश राजनीति के लिए आतंकवादियों और आतंकवाद को पनाह देने वालों का बार बार समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए सभी देशों को राजनीति भुलाकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही सभी देशों को टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग की व्याख्या पर भी आम सहमति बनानी होगी।